नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राशि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाले हैं। इसलिए जो भी जातक आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, इन्हें बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। इन्हें अंत तक समय निकाल कर देखिएगा, चाहे आप अपने जीवन में कितना भी काम कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों को भी छोड़कर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। कि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के जीवन काल के वो पल के बारे में बात करने वाले हैं, होने वाली वो घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे आप सभी के जीवन काल में पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें जिनसे आप सभी के जीवन काल में ऐसा परिवर्तन आएगा कि मानो आप सभी के जीवन बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवन काल में आपको 5 बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हें अगर आप अपने हाथ से गवा देंगे, क्योंकि दोस्तों ये खुशखबरी कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी आपके जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी है, जिन्हें पाने के लिए आप सभी ने दिन और रात एक किए हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इन्हें अगर आप गवा देंगे तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनके साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि यश में आपके कई सारे ऐसे सपने हैं जो कि सच होने वाले हैं। जी दोस्तों, इन सपनों को सच करने के लिए आपके कितने दिन और रात गए हैं, लेकिन दोस्तों यह सपना सच नहीं हुआ था। और दोस्तों, यह सपना सच होने के लिए, सच होते देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी। और दोस्तों, अब यह समय आ गया है जब यह सपना आपका सच होने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको अब वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप भी अब चाहते हैं कि आपके जीवन काल में परिवर्तन आए। आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन काल में अब बदलाव आए। अब आप थक चुके हैं पिछले जीवन काल को झेल कर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हम यह बात जानते हैं कि पिछले कई समय से, लंबे समय से आप सभी के जीवन काल में परेशानी आ रही है। सारी परेशानियों का जड़ अब समाप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप सभी का भाग्य उदय होने वाला है। और दोस्तों, जो घटना हम आप सभी को बता रहे हैं, जिनका हम बखान कर रहे हैं, वह घटना आने वाले 72 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में घटित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो अब समय आ गया है जब आपको सारी क्षेत्रों को ध्यान में रखना है। जी हाँ दोस्तों, सारे कार्यों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ग्रहों की गति प्रबल हो चुकी है। आपके लिए समय अब हीरे से भी कीमती समय है। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे, वह कार्य आप सभी को सफलता देगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी बातों को ध्यान से समझना है। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, यश में जो भाग्य का पूरा सहयोग आप सभी को मिला है, आप हर क्षेत्रों में तरक्की करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि अब आपको अपने जीवन काल में भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको हमेशा से पछताना पड़ता है और आप पछताए भी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपका पूरा जो समय है परेशानियों से ही घिरा हुआ रहेगा। तो दोस्तों, यह गलतियां आपको नहीं करनी है जो आज के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी को बता देंगे कौन कौन से क्षेत्र में आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिल रहा है, उसके बारे में भी हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी से विनती है कि अगर आप सच्चे दिल से भगवान शिव को मानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में बड़ी बदलाव होने का योग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में लंबे समय से समस्याएँ चली आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शब को दूर करने के लिए हम यश में आपको अच्छे उपाय भी बताने वाले हैं। और दोस्तों, बड़ी खुशी की बात यह है कि जो भी हम उपाय आप सभी को बताने वाले हैं वह 100% सटीक होगा और दोस्तों आपके लिए 100% कामयाबी और कारगर साबित होंगी। उसको करने से आपको बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं आएगा, बस बहुत ही सरल उपाय है जिन्हें आप विधि से करेंगे तो यश में आपको वह लाभ देकर जाएगा। जो भी समस्या है वह सभी समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के जीवन काल में बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह समय जो भी परेशानी है सब समाप्त होने वाली है।
आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह समय आपके गुरु आपके दशम भाव में हैं, यशमय दशम भाव में विराजमान हैं, इसलिए आपके जीवन काल में बड़े बदलाव होने की संभावना दिख रही है। और साथ ही साथ दोस्तों जो शुक्र की स्थिति है आपके लिए प्रबल स्थिति में पहले से ही है और गुरु की स्थिति यशमय आपके दशम भाव में है, जिनके कारण दोस्तों यशमय आपको अपने कार्यों में मेहनत करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों जितना आप सोच रहे हैं उससे हजारों गुना ज़्यादा में यशमय आपको उन्नति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में सफलताएँ आपकी सोच से अधिक मिलने वाली है। जितना आप सोच रहे हैं कि इतना हमको इनमें सफलताएँ की प्राप्ति होगी या फिर हम इतना कर सकते हैं, तो दोस्तों ये बातें भूल जाइए। अब आपको सफलताएँ आपकी सोच से भी ज़्यादा मिलने वाली है। जी दोस्तों, बस आपको यशमय अपने कार्य में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा लगन आपको अपने कार्यों में दिखाना होगा। जी हाँ दोस्तों, यशमय आपके जीवन काल में बता दें कि कई तरह की समस्याएँ चली आ रही हैं। सबसे पहला बात जिसके लिए आपने हमेशा सहायता प्रदान किया है, जिनके ऊपर आपने अपना सब कुछ लुटा दिया है, जिनका आप हमेशा से ही भला चाहते हैं, वही लोग यशमय आपका नुकसान कर रहा है। जी दोस्तों, वही लोग यशमय आपके शत्रु भी बनते जा रहा है। और दोस्तों अक्सर आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में जितना भी भला किए हैं, जिनके लिए आप जितना भी अच्छा किए हैं उतना ही उनकी नज़रों में बुरा भी बने हैं। जी दोस्तों, यशमय आपको वही लोग बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आपने एक समय में ऊपर उठाने का प्रयास किया था, उनको आपने अपने सबसे महत्वपूर्ण समय दिए थे। जी दोस्तों, यही लोग आपके जीवन काल में अब समस्याओं का कारण बन रहा है, परेशानियों का कारण बनते जा रहा है। आप सभी को बता दें कि दोस्तों यशमय आपके अपने ही लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको फंसाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। कई बार इन्होंने आपको बहुत बड़ी पचड़े में भी फंसाए हैं, कई बार इन्होंने आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचाया है, कई बार आपके मुंह पर भी मीठे आवाज़ से इन्होंने आपको बुरा भला कह दिया है। जी दोस्तों, आप गौर कीजिए कि यह इंसान जितना ही आपके सामने मीठा बोलता है उतना ही पीठ पीछे आपके लिए जहर घोलने का कार्य कर रहा है। और अभी समय आ गया है, अगर अभी आप नहीं संभलेंगे तो आने वाला समय आपका दुखी ही रहेगा। कभी भी आप सफलताओं को हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप ऐसे सपोले इंसान के साथ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान आपके जीवन काल में आतंक का सांप बनकर बैठा है, जिन्हें आप अभी तक दूध पिलाकर इतने बड़े कर दिए हैं, और यही इंसान अब आपके ही ऊपर डंक मारने का प्रयास कर रहा है, आपको ही नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, तो दोस्तों इससे अच्छा यही होगा कि इस व्यक्ति से आप अपने जीवन को दूर कर लें। इस व्यक्ति से आपको अपना जो भी रिश्ता नाता है सब कुछ तोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यशमय आप जितना ही मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास जो भी पैसा है वो पैसा आते तो है, लेकिन पैसा आपका टिक नहीं पाता है। जी दोस्तों, थोड़ी बहुत मुश्किल से आप जो भी धन को कमाते हैं वह धन इधर उधर खर्च हो जाते हैं। जी दोस्तों, किसी न किसी विघ्न बदाए में आपका कमाया हुआ धन खर्च हो ही जाते हैं, और दोस्तों ये खर्चे व्यर्थ में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कुछ नई चीज़ें अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि परसों यह कार्य हम शुरू कर लेंगे और आने वाले समय में हमको यह लाभ मिलने वाले हैं, आप बहुत अच्छी चीज़ अपने मन में बनाते हैं, बहुत अच्छी योजनाएं आप अपने मन के अंदर सोचते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप उन कार्यों की शुरुआत करना जा रहे हैं या फिर शुरुआत करना चाहते हैं तो दोस्तों वह कार्य शुरू होते होते ही बंद हो जाता है, आपका सोचे हुए बात पूरा नहीं हो पाता है और आपके जीवन काल में एक न एक नई परेशानी आती रहती है, जिनके कारण आप अलग अलग मुसीबतों में उलझते जा रहे हैं, आप तरक्की को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों हम आज के इस वीडियो में आपका जो भी परेशानियां सभी समाप्त करने वाले हैं और जो भी आपका बुरा समय है वह समाप्ति भी होने वाला है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जीवन में अब आपका काफ़ी बदलाव होने वाला है, आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जी दोस्तों, कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी, इनसे आप सभी का भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आप सभी को प्राप्त होगा और कोई भी दुश्मन आप सभी का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अभी आपकी रोजगार कारोबार में काफ़ी अड़चने आ रही है, मुसीबतें आ रही है, आपके जीवन काल में यशमय समस्याओं का जो भी समापन है वह नहीं हो रहा है,
जिंदु सुसानवा समापन होने का नाम भी नहीं ले रहा है। एक समस्या समाप्त नहीं हो पाता है तब तक दूसरा कोई समस्या आपके सामने खड़ा हो जाता है। जीवन से भरा हुआ आपका जो संकट भरा जीवन है ये बहुत ही दुख दे रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक से नहीं चल रहा है। दोस्तों पति पत्नी के बीच रिश्ता भी सही से नहीं चल रहा है। घर में कुछ थोड़ी बहुत नोक झोंक होते रहते हैं, गृह क्लेश होते रहते हैं, जिनके कारण दोस्तों माता पिता से भी किसी का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। पिताजी के भी साथ जो रिश्ता वह खराब चल रहा है। आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में आपके सारे रिश्ते में मनमुटाव है। लोग यश में आपको गलत ठहरा रहे हैं। जब आप कोई भी गलती नहीं करते हैं वहाँ पर भी लोग आपको ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यश में आपको कुछ अपने ही लोग हैं जो शत्रु की तरह आपके आगे आ रहे हैं, आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। जी दोस्तों शत्रु बनते जा रहे हैं आपके अपने ही लोग। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको अब किसी पर भी अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। यह चीज़ आपको सलाह दी जाती है, किसी पर भी आपको हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। थोड़ा सा अगर आप विचार करेंगे तो दोस्तों आप खुद ही इस बात को समझ पाएंगे कि पिछले कुछ साल पहले आप सभी का जीवन कैसे चल रहा था। सब कुछ आप सभी का जो भी कार्य है, जो भी व्यापार है, अच्छे से चल रहा था। सब कुछ अब धीरे 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 अब समाप्त होने की कगार पर आ गई है और समस्याएं आपके जीवन काल में घिरी चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों इस उपरांति हम आप सभी को बताना चाहेंगे, ब्रह्मांड की सभी 12 राशियों में से आपकी ही एक ऐसी राशि है जिनके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। जी हाँ दोस्तों आपके जीवन में हमेशा ही राजयोग का निर्माण रहता है। हमेशा माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन काल में राजयोग का निर्माण करती है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन एक राजाओं की तरह होनी चाहिए, लेकिन आपसे जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके कारण श्री माता लक्ष्मी आपसे रूठ हो जाती है। आपका किस्मत खराब होने लगता है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हम आपको आज के इस वीडियो में बता रहे हैं, इन्हें आप भूल कर भी मत कीजिएगा। अगर आप इनमें इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका भाग्य प्रबल होगा और भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपका जो भी दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपको सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। जी दोस्तों और यश में आपको बता दें कि 5 बड़ी ऐसी भयंकर खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। वह दोस्तों लंबे समय से आप लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी लोग किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान खरीदने की सोच रहे थे तो यश में काफ़ी शानदार समय है। यश में आपका सपना सच हो सकता है। दोस्तों साथी हम आप सभी को बता दें कि लंबे समय से कोई गाड़ी या फिर वाहन या फिर बड़े प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देख रहे थे तो वह सपना भी यह समय सच होने के कगार पर है। दोस्तों कुछ जातक अपने जीवन काल में लंबे समय से कारोबार रोजगार व्यापार में घाटा ही घाटा देख रहे थे, घाटाओं का सामना कर रहे थे, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के कारोबार में जो भी रोजगार की स्थिति है अब बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों और यश में आपको अपने कारोबार में अपने रोजगार में दुगुनी तेजी से लाभ देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके कार्यों में जो भी समस्याएं चल रही थी वह समस्याएं अब समाप्त होने वाली है और आप यश में अपने कार्यों में एक बड़े ही सफलताओं को अपने हाथ ले आएंगे। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपकी तरक्की होने की संभावना बढ़ रही है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनमें आपको सफलताओं की प्राप्ति अवश्य होंगी। और दोस्तों यश में धर्म के कार्यों में आपको अपना थोड़ा सा ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि दोस्तों यश में ईश्वर की देवी शक्ति आपके सहयोग करेंगी। घरों का पूरा पूरा सहयोग आप सभी को मिलेगा ही। धन की देवी माता लक्ष्मी का विशेष कृपा यश में आप सभी के जीवन काल में रहने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी आप धन को यश में कमाने वाले हैं उनमें से कुछ पैसे आप गरीबों में धर्म स्थानों में जरूर दीजिएगा। धर्म कर्म के कार्यों में अगर आप कुछ पैसों को देंगे तो दोस्तों इनसे आप सभी के कर्म का घड़ा जो भी है वह भरेगा। और जो भी छोटी मोटी गलतियां आपसे हुए हैं, जो भी छोटी मोटी पाप आप सभी से गलती से भी हो गए हैं, दोस्तों वह सभी पाप और सभी गलती आप सभी का क्षमा हो जाएंगी और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन काल में हमेशा ही कृपा दृष्टि बरसाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिन्हें आपको भूल कर भी अब नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों
अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको अपने जुनकाल में अब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगली जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है वह यश में, जो भी स्त्री पुरुष लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, बार बार सफलताएं हाथ नहीं लग रही थी, तो यश में समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नौकरी लगने की संभावना बढ़ रही है, वो भी मन चाह नौकरी यश में आप सभी को प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्त्री और पुरुष यश में दोनों को नौकरी मिलने की पूर्ण संभावना दिख रही है। साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि जो भी लोग परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी घरों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। जिन्होंने परीक्षा दी है उनके लिए यशमी जो परिणाम है वो आपके ही पक्ष में आने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी कुछ ऐसा सूचना आप सभी को मिलने वाली है जो कि आपके ही पक्ष में होंगी और वह सूचना शुभ होंगी। जी हाँ दोस्तों, घरों की ऐसी स्थिति दिख रही है कि यशमी आपको बड़े पैमाने में लाभ मिलने वाले हैं। कोई फ़ोन कॉल के द्वारा आपको यशमी कोई ऐसी खुशखबरी मिलने वाली, कोई ऐसा शुभ समाचार मिलने वाला जिनसे आपके परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हम यशमी बता दें कि कई सारे ऐसे जाता होंगे जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, यशमी उन सभी का सपना सच होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यशमी विदेश जाके पढ़ाई करने में जो भी लोग कार्य कर रहे थे यशमी वह सक्षम होंगे, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आप सभी को बता दें कि कुछ बातों को आयुष में आपको ध्यान देना होगा। समय यश में आपके लिए बहुत ही अच्छा है, यश में आपको पीछे खींचने का बहुत सारे लोग कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कई तरह की बातें बताने वाले हैं, कई तरह के ऐसे लाभ की बातें बताने वाले हैं जो आपको लगेगा कि ये आपके लिए अच्छा कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको किसी के भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो असफलताएँ आपके हाथ लगने वाली हैं। अगर आप इन समय में सतर्क और संभल कर रहेंगे तो आप सभी को बता दें कि आपको सफलताएं यशमी कदम चूमने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और सफलता मिलने की प्रबल संभावना यशमी दिख रही है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगली जो खुशखबरी है, जो लोग पिछले कई समय से अपने रोजगार कारोबार में अड़चने देख रहे थे, यशमी उन सभी की अड़चने समाप्त होने वाली है। आप सभी का कारोबार अब तेजी से गति में आने वाली है। जी दोस्तों, उसका भी यश में हम आपको एक सरल उपाय बताने वाले हैं, आपकी जिनकी सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएंगी, कारोबार रोजगार जो भी घर में परेशानियाँ हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगी। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको सभी प्रकार के व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जी दोस्तों, यश में जो घरों की स्थिति बन रही है उनमें आपके जो भी लंबे समय से काम रुके हुए थे वह काम बनेंगे। जो आपका पिछले लंबे समय से पैसा फंसा हुआ था, कोई पैसा नहीं दिए थे, तो दोस्तों यश में आपको मिल सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधरने वाली है, इनकी संभावना दिख रही है। दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही अच्छा सुधार आएगा। आप सभी को बता दें कि यश में आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने का समय होगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आप अपने जेब को बिल्कुल ही खाली ना रखें, चाहे आप एक दो सिक्के क्यों ना रखें, लेकिन दोस्तों एक दो सिक्के आप ज़रूर ही अपने जेब में रखिएगा। समय आपके लिए 72 घंटों का समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली समय होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि अगली जो खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है, जो जातक पिछले कई समय से सिंगल हैं, आपके जुनकाल में नया प्रेम आने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, खास करके पुरुष जातक को यश में अपने प्रेम की तलाश पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मन चाह जो आप सोचते थे कि ऐसा जीवन साथी आप सभी को मिले, वैसा ही जीवन साथी यश में आपको मिलने वाली है। और यश में आप सभी को अपने जीवन काल में बहुत ही खुशियों की अनुभूति भी होने वाली है। नया प्रेम यश में आप सभी को मिलेगा, जीवन उज्जवल होगा। शांति, हम आप सभी को एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि अगर आप यश में प्रेम में अपना कदम रख रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जाँच परख करना होगा, तभी आपको ये फैसला लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई तरह के जातक ऐसे भी होते हैं जो पहले ही शायद शादीशुदा होते हैं और आपसे छुपाता भी है। आपको एक ऐसी सलाह देना चाहूँगा कि विवाहित व्यक्ति से प्रेम में आपको कभी नहीं पड़ना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है, इनमें ही आपकी भलाई है, नहीं तो आप सभी अपने जुनकाल में बहुत ज़्यादा पछताएंगे, आपको रोना भी पड़ेगा और दोस्तों आपके कारण किसी और का भी घर बर्बाद हो जाएगा।
पहले ही आप सभी को बता दें कि इन सभी बातों को लेकर आपको सावधान रहना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों यशमी आपको अपने जन्मकाल में थोड़ा सावधानी अवश्य रखनी होगी। यशमी ग्रहों का पूरा साथ आप सभी को मिलेगा, भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आप सभी को प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ जाएं, घर में ही सो जाएं, ऐसे दोस्तों सफलताएँ नहीं मिलती है। जो भी दोस्तों आपको ऐसे कह देते हैं कि बिना कुछ किए ही आपको फल मिलेगा, बिना मेहनत के फल मिलेगा, दोस्तों ये सारी अफवाहें होती है। बिना मेहनत के, बिना कर्म के इस कलयुग में किसी भी इंसान को फल नहीं मिलता है। चाहे किसी भी इंसान को बुरा भी फल मिले, उन्हें भी कर्म करना होता है। अच्छे फल पाने के लिए तो व्यक्ति को संघर्ष भी करना पड़ता है। जी दोस्तों, जब ग्रहों की स्थिति प्रबल होता है तो अगर व्यक्ति वैश्य में मेहनत करता है तो उनका फल उन्हें कई गुने में मिलती है। और यश में आपको इसी तरह की ग्रहों की स्थिति देखने को मिलेगी कि आप जहाँ भी कार्य करेंगे उनमें आपको 10 गुने में फल मिलने वाला है। परंतु दोस्तों यश में आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी कार्य आप यश में करने वाले हैं, जिनमें भी आप हाथ डालने वाले हैं, यश में वह कार्य आपका सफल होगा, आपका मेहनत यश में रंग लाने वाले हैं। अपने घर को, अपने बिस्तर को छोड़ना होगा और अपने कार्यों में पूरे ध्यान से आपको कार्य करना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको अपने जन्मकाल में कुछ ऐसी गलतियां नहीं करना है जिनसे आपको अपने भाग्य का साथ नहीं मिलता है। वह गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी अपने जन्मकाल में, अपने घर में, अपने परिवार में बहुत बार ऐसे करते हैं कि आप कार्य तो करते हैं लेकिन दोस्तों अपने कार्य के साथ साथ किसी का सम्मान भी करना भूल जाते हैं। खासकर दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जो औरत होती है उन्हें देवी माता लक्ष्मी कहा जाता है। जी दोस्तों, और अब आप सभी को अपने जन्मकाल में ये गलती भूल कर भी नहीं करना होगा। आज से ही आपको अपने जन्मकाल में औरतों का सम्मान कर देना शुरू कर देना है। जी हाँ दोस्तों, औरत से आपको अच्छा व्यवहार करना है, उससे आपको अच्छे व्यवहार करना है, अच्छे से बातचीत करना है, उनके दिल में आप सभी को जगह बनाना है, ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करना सीखे तो उनका जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आती है, कभी भी संकट नहीं आती है। क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में सभी समस्याओं का जड़ रुपये पैसा होते हैं, धनी होता है। जी दोस्तों, अगर आप अपने धर्म पत्नी से ही अच्छी तरीके से व्यवहार करेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि समाज में भी आपको मान सम्मान मिलेगा। अगर आप औरतों का सम्मान नहीं करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, घर में औरतों का सम्मान करना भूल जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कि आपको माता लक्ष्मी का कभी भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। एक प्रकार से कहें माता लक्ष्मी हमेशा ही आपसे रुष्ट रहेंगी। चाहे आप अपने जन्मकाल में कितना भी मेहनत करें, कितना भी धन को अर्जित कर ले, लेकिन दोस्तों वह धन आप सभी के जन्मकाल में टिक नहीं पाएगा, फिर आप खाली हाथ ही हो जाएंगे। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर सौभाग्य आपके साथ है तो दुर्भाग्य भी आपके साथ ना आए। वरना दोस्तों जहाँ पर दुर्भाग्य साथ आ जाए तो सौभाग्य साथ छोड़ देता है और परेशानी है और क्लेश ही जन्मकाल में दस्तक देती है। इसलिए आपको अपने जन्मकाल में अब औरत का सम्मान करना बेहद ही जरूरी है। चाहे कोई भी औरत हो, आपकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी या फिर बाहर में भी काम करने वाले आपके सहयोगी क्यों ना हो, जी तो सभी का आपको सम्मान करना है, सभी के साथ अच्छे से पेश करना है। दोस्तों अगर आप सम्मान नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों कम से कम आपको अपमान भी नहीं करना है। किसी के भी साथ अपशब्द या फिर दुर्व्यवहार आपको करना भी नहीं है। भूल कर भी अब आपको ये सब चीज़ें अपने मन में नहीं लाना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि आपके जन्मकाल में सफलता मिलना तय हो जाएगी अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। रोजगार में जो भी घाटा है वो घाटा नहीं आएंगी, धन में वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। और जो भी छोटी मोटी बाधाएं धन को लेकर चलती है, चाहे आपके कार्यक्षेत्र में रुकावटें आ जाती हैं, वे सभी खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और जो भी आपके जन्मकाल में तनाव की स्थिति बनती है दोस्तों, उनसे भी आप सभी को मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें भी जानवर, किसी भी पशु पक्षी को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, ना ही उन्हें परेशान करना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो, बिल्ली, चूहा, चाहे जो भी चीज़ हो, जिन्हें इंसानों ने नहीं बनाया, जिन्हें ईश्वर ने बनाया है, दोस्तों उन सभी को आपको परेशान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आपके द्वार पर कोई गाय आ जाती है तो दोस्तों अगर आप उन्हें खिला नहीं सकते तो
तो दोस्तों कम से कम आप उन्हें मारकर पीटकर भगाए ना। जी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जिनके द्वार पर अगर गाय आ जाए तो उन्हें वह डंडे से मारकर भगा देते हैं। ऐसी गलती अब आपको भूल कर भी अपने जुनकाल में नहीं करना है। जी दोस्तों, अगर आपने किए हैं तो अब आपको संभलना होगा, और अगर आप किए हैं तो दोस्तों इनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। जी दोस्तों, आटे की आपको गोलियां बनानी है और उन्हें तालाब में बहाना है। जी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर यह गोलियां आप मछलियों को खिलाएंगे तो इनसे आपके जो भी छोटे मोटे जो पाप हैं वह इनसे धुल जाएंगे। जी दोस्तों, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके उपरांत हम आप सभी को बता दें कि अगले 72 घंटों का समय आपके लिए अमृत काल का समय है, अमृत बेला का समय है। यश में आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, परिश्रम करें, जो भी कार्य करेंगे उनमें आपको सफलताएं मिलेगी। स्वास्थ्य व्यापार आप सभी का अच्छा रहेगा, जो भी स्वास्थ्य की परेशानियां हैं वे सभी समाप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप सभी को बता दें कि वीडियो को अंत करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।